गुड मॉर्निंग मॉडर्न स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप डेफिनेटली यू विल बी गुड एट होम. डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आज आपका जो है टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. टुडे योर इंग्लिश टॉपिक विल हैव बीन कंप्लीटेड. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज द एक्शन विल बी completed before some time in the future. And according to Hindi concept, end of the sentence you can see there चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, ये होंगे. आप ऐसे words last में देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं यहाँ कि this is future perfect tense. Okay? And it is a form of the verb. The verb का ऐसा form होता है जो ये दिखाता है कि कोई action future में कुछ समय पहले ही complete हुआ होगा. गया कंप्लीट होगा इन फ्यूचर में, कंप्लीट हुआ होगा. हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होता है? शैल हैव एंड विल हैव. आई एंड वी सब्जेक्ट. इफ योर सब्जेक्ट इज आई एंड वी, डेफिनेटली यू विल बी हैव, यू विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब देयर शैल हैव. एंड इफ योर सब्जेक्ट इज यू, ही, सी, इट, दे, नेम्स, at there you will have to use helping verb will have. Okay, and always we use third form of the main verb in future perfect tense. You can see by the example, Roshni will have dance tomorrow by 9 o'clock. What is the Hindi conversion of this sentence? Roshni kal 9 baje tak dance kar chuki hogi. We shall have earned lots of money by next week. हम अगले सप्ताह तक बहुत सारा पैसा कमा चुके होंगे. तो ये सारे एक्शन जो हैं वो इन फ्यूचर की बात हो रही है कि इन फ्यूचर में ये कंप्लीट होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे. नेगेटिव सेंटेंस बात होगी बेटा तो द रैन विल नॉट हैव स्टॉप्ड बाई टमोरो. वर्षा कल तक नहीं समाप्त हो चुकी होगी. My mother will not have prepared breakfast by the time my father and brother wake up. It means मेरी माता जी जो हैं वो उस समय तक ब्रेकफास्ट नहीं तैयार कर ली होंगी जब मेरे मेरे फादर एंड ब्रदर उठे होंगे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये बात थी बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द एक्शन विल कंटिन्यू अंटिल सम टाइम इन द फ्यूचर. इट मींस कोई एक्शन बेटा फ्यूचर में ही स्टार्ट हुआ रहा, स्टार्ट होके और कुछ समय तक चल के फ्यूचर में ही समाप्त हुआ होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये अकॉर्डिंग टू हिंदी कन्वर्जन है. एंड इसके साथ ही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम इज ऑल्सो मेंशन. इसमें समय भी दिया रहता है और जब समय मेंशन होगा तो हमको उसको नोटिफाई करने के लिए वी विल हैव टू यूज सिंस एंड फॉर. सिंस शोज द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर शोज पीरियड ऑफ टाइम. इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिंस कहाँ पे यूज होगा, फॉर कहाँ पे यूज होगा. हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा. आई और वी के साथ शैल हैव बीन, जितने भी बचते हैं वो सभी के साथ विल हैव बीन. ओके, नोट में बेटा क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, बस आईएनजी फॉर्म यूज होगा. वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जांपल के थ्रू समझिए, ही विल हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2025. इट मींस वह इस काम को 2025 से कर रहा होगा. क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ना बेटा. अभी देखो इन फ्यूचर में कह रहा है कि इस काम को वो कर रहा होगा. सी विल हैव बीन मेकिंग नॉइजेस फॉर 10 मिनट्स. वह 10 मिनट से जो है, आने वाले 10 मिनट से आवाज़ मतलब शोरगुल कर रहा होगा. ये सभी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है. आई शैल हैव बीन लाफिंग फॉर एन आवर. मैं 10 मिनट से हंस रहा हूँगा, मतलब आने वाले समय में मैं 10 मिनट से हंस रहा हूँगा. नेगेटिव सेंटेंस इसी का हो जाएगा तो बेटा कुछ भी नहीं करना. हेल्पिंग और क्या है, शैल हैव बीन, तो आपको
हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए क्या हो जाएगा, शैल नॉट हैव बीन, इसी के बीच में नॉट ऐड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विल नॉट हैव बीन। यहाँ पे देख सकते हैं आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग सिंस मंडे, मैं सोमवार से नहीं जा रहा हूँगा। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये तो आज बेटा इस तरीके से आपका टेंस का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो हमने आई थिंक ये 4 डेज बैक टू बैक 4 डेज से हम टेंस का ही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लॉन्ग था, डिटेल्स में हम लोग डिस्कस किए इसलिए टाइम लगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप जो है यूट्यूब पे आप लिंक भेजी जाती है, आप वहाँ पे वीडियो, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट या किसी भी टेंस में आप भूल गए क्या कॉन्सेप्ट था, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे, आप वहाँ पे जाके जो है सारे टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू क्लास, एंजॉय एट होम, स्टे एट होम।